हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो है दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया वुमन और वेस्ट इंडीज वुमन्स के बीच में। यहाँ पर जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स आज जो है चल सकते हैं आपकी फैंटेसी 11 के लिए, और साथ ही में जो है पिच रिपोर्ट हम देखेंगे, और साथ ही में जो है दोस्तों प्लेइंग 11 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मैं डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी मदद मिलेंगी अपनी फैंटेसी 11 टीम परफेक्ट बनाने के लिए। इससे पहले दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है दोस्तों बनी बनाई टीम दी जाती है टॉस के पहले और टॉस के बाद में भी। फिलहाल यहां पर बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि पिछला मुकाबला भी जो है ना दोस्तों इसी मैदान पर खेला गया था, और यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 160 पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 से ज्यादा बनाएंगी, और साथ ही में अगर वेस्ट इंडीज की टीम बनाती है तो 140 के ऊपर रन बनाते हुए नजर आएंगे। तो वैसे ही हुआ है पिछले मुकाबले में, आज मैं आपको बता रहा हूं अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 से ज्यादा रन बनेंगे, वही अगर वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 140 के आसपास आपको जो है बनते हुए नजर आएंगे, 130 से 150 के बीच आपको रन बनेंगे। और ये रहेंगी पिच की रिपोर्ट, बैटिंग के लिए जो है काफी अनुकूल है। अगर वेदर की बात की जाए तो दोस्तों वेदर जो है साफ है, बारिश आने की बिल्कुल भी संभावना यहां पर जो है नहीं। अब चलते हैं यहां पर और बात कर लेते कुछ और डिटेल्स में। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो है 10 वुमेन्स के T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते, वही चेस करने वाली टीम ने 6 मुकाबले। हाईएस्ट स्कोर यहां पर जो है इस पिच का 226 का रहा है, वही लोवेस्ट स्कोर 69 रनों का। एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए फर्स्ट इनिंग की तो 143 रनों का रहता है, वही चेस करने वाली टीम का एवरेज स्कोर जो है 149 का है। बिलो स्कोर 150 से नीचे यहां पर जो है 7 बार रन बने, 169 के बीच में एक बार रन बने हुए हैं, 170 से 190 के बीच यहां पर जो है कोई भी रन नहीं बने। तो यहां पर जो है दोस्तों ये रहेंगी आपको जो है कुछ पैटर्न बता दिया किस तरीके से यहां पर खेल चल रहा है। जो भी टीम यहां पर दोस्तों जीतेंगी ना वो यहां पर जो है बल्लेबाजी करेंगी, खासतौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम अगर टॉस को जीतती है तो आपको जो है दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम आपको जो है ऑल आउट होते हुए भी नजर आ सकती है। तो इस तरीके से आप जो टीम बना सकते हैं। फिलहाल यहां पर बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो अलाइशा हेली और साथ ही में जो है पैट मुनी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तीसरे स्थान पर तालिया बेगरान, चौथे स्थान पर इलाइशा पेरी, पांचवें स्थान पर अलिशा गार्डनर, छठे स्थान पर कैग रात, सातवें स्थान पर एनेबल सुदरलैंड, आठवें स्थान पर एलेना किंग की वापसी देखने को मिल सकती है, नौवें स्थान पर मैकन स्कर्ट, दसवें स्थान पर जस जॉनसन, और ग्यारहवें स्थान पर आपको डार्से ब्राउन जो है दोस्तों देखने को मिलेंगे। भाई अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज वुमेन्स की प्लेइंग 11 की, तो आज यहां पर जो दोस्तों आपको जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है ओपनिंग के तौर पर यहां पर रशाडा विलियम्स और बिडेटनी यहां पर जो दोस्तों ओपन करने के लिए आए, वही तीसरे स्थान पर शेमा ने, चौथे स्थान पर कप्तान हार्ले मैथ्यूज, पांचवें स्थान पर एफी फ्लेचर, छठे स्थान पर शकीबा गजनबी, वह उसके बाद शमिला कोनेल की आपको जो है वापसी देखने को मिल सकती है। शिनिता आज के इस मुकाबले को खेल सकती है, कश्मीरा रामचरण आपको नजर आएंगी, कालिशिया यहां पर आपको जो है दोस्तों खेलते हुए नजर आ सकती है, और साथ ही में शनिका भी आपको जो है आज के इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकती है। तो इस प्लेइंग 11 के हिसाब से जो है दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेट्स यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए पहले यहां पर बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम की ओर से। तो हेली मैथ्यूज आपको हो सकता है ओपन भी करते हुए नजर आए, अगर इनकी बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है दोस्तों 8 मुकाबले खेले, जहां पर 7 विकेट्स इनके नाम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 199 रन बनाए, और औसत जो है 30 का रहता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 मुकाबलों में 126 रन, वही पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबलों में 2 विकेट्स, वही अगर बात की जाए चेस की सेकेंड इनिंग की तो 3 मुकाबलों में 73 रन बनाए हैं, और गेंदबाजी करते हुए सेकेंड इनिंग में 5 मुकाबलों में 5 विकेट्स यहाँ पर निकाले। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि हेली मैथ्यूज जो है कैप्टन वाइस कैप्टन का काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाली है, और वैसे हुआ। आज यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि अगर वेस्ट इंडीज वुमन की टीम फिर से बल्लेबाजी करती है पहले, तो यहां पर आप जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे हेली मैथ्यूज को यहां पर जो है अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। इस मैदान पर अगर देखा जाए तो इस मैदान पे आप देख सकते हो दोस्तों एक मुकाबला खेला, 99 रन बनाया, और साथ ही में एक विकेट है। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, एक विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 0 विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक विकेट आज भी निकाल कर दे सकते हैं, और साथ ही में जो है दोस्तों आपको 20 से या 30 रन आसानी से जो है बनाकर देंगे। तो वेस्ट इंडीज की टीम की ओर से ये एक मात्र ऐसे खिलाड़ी लगता है मुझे दोस्तों जो आपको अपनी
टी20 में तो रखना ही चाहिए। वही अगर रिसेंट टी20 फॉर्म की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हो 99 रन प्लस 1 विकेट, 48 रन प्लस 4 विकेट, 50 रन प्लस 1 विकेट, 37 रन प्लस 3 विकेट, 20 रन प्लस 2 विकेट। तो ऐसे में दोस्तों इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते यहाँ पर अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है शबिका गजनबी आपको जो है ओपन करते हुए नजर आ सकती है। अगर इनकी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 4 मुकाबलों में 23 रन औसत जो है 5 का रहता है, साथ ही में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 का, वही बाद में बल्लेबाजी करते हुए 5 का। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ खास नहीं, और साथ ही में इंटरनेशनल टी20 मैचेस आप दोस्तों देख सकते हो 15 रन 13 रन 13 रन 14 रन 17 रन 0 रन, तो कुछ खास इनका परफॉर्मेंस मुझे नजर आ नहीं रहा है। इनको अगर आप अपनी टीम में ना ले तो काफी बेहतर रहेगा। अब चलते दोस्तों और बात कर लेते हैं यहां पर अगले खिलाड़ी की, तो यहां पर जो है आपको नजर आ सकते हैं शिमाने कैम्बेल, ये भी जो है दोस्तों काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं वेस्ट इंडीज की ओर से। अगर इनकी बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ जो है 9 मुकाबले के लिए 105 रन बनाए, औसत जो है 18 का रहता है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 का औसत है, वही चेस करते हुए 9 का। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं कहूंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो यहां पर आप जो है शिमाने कैम्बेल को जरूर लीजिएगा, और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जो है फॉर्म देख सकते हो 15 रन 24 रन 34 रन 7 रन 19 रन, और साथ ही में दोस्तों आप रिसेंट मैचेस में भी जो है फॉर्म देख सकते हो 34 रन 30 रन 8 रन 22 रन 14 रन नाबाद 19 रन। तो ऐसे में दोस्तों मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि 15 से ज्यादा रन आपको जो है बनाते हुए नजर आएंगे, तो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा वेस्ट इंडीज से अगर आपको एक खिलाड़ी उठाना है। अब चलते हैं अगले खिलाड़ी की ओर, तो यहां पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है रशाडा विलियम्स, इनकी बैटिंग थोड़ी नीचे आती है अगर इनकी भी बात की जाए तो, ये भी आप देख सकते हो दोस्तों ओवरऑल इन्होंने जो है 20 मुकाबले खेले अपने टी20 करियर में जहां पर 192 रन बनाए, औसत जो है 11 का रहता है। आप इनको भी जो अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम मुझे लगता है दोस्तों अगर यहां पर चेस करती है ना तो टीम ऑल आउट होंगी, और ऐसे में रशाडा विलियम्स की बैटिंग आने की जो है काफी संभावना है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आप रशाडा विलियम्स को अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बल्लेबाजी इन्होंने करी नहीं है। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो 2 रन नाबाद 17 रन 30 रन 2 रन 16 रन, ओवरऑल में यहां पर यही कहूंगा कि इनको जो है दोस्तों आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर जो है टारगेट को चेस करते हुए ऑल आउट जरूर हो सकती है वेस्ट इंडीज की टीम। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है ब्रिटनी कूपर की आपको जो है वापसी देखने को मिल सकती है आज के मुकाबले में। इनकी अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 9 मुकाबले खेले जहाँ पर 123 रन बनाए, औसत आप देख सकते हो दोस्तों 15 का, और साथ ही में पहले बल्लेबाजी करते हो 17 का औसत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फॉर्म है इनका 3 रन नाबाद 2 रन 4 रन 39 रन 29 रन। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यही कहूंगा कि ओवरऑल आप जो है इनको भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, अगर ये बल्लेबाजी करेंगे तो आपको जो है लगभग 17-18 रन से ज्यादा रन जो है आपको बनाते हुए नजर आएंगे। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते 26 रन 0 रन 15 रन 0 रन 10 रन। ऐसे में दोस्तों यहां पर यही कहूंगा कि अगर आप इनको लेना चाहो तो ले सकते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की ओर, मैं शायद यहाँ पर जो है दोस्तों इनको ना लूँ, अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो मैं हो सकता है यहाँ पर ब्रिटनी कूपर को ले लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है दोस्तों अगर आपकी हेली मैथ्स आउट हो जाती है ना वेस्ट इंडीज वुमन्स की ओर से तो वेस्ट इंडीज वुमन्स जो है ऑल आउट यहाँ पर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफी फ्लेचर की, तो दोस्तों ये गेंदबाज है, इन्होंने जो है पहले गेंदबाजी करते हुए 2 मुकाबलों में 1 विकेट निकाला, वही बाद में गेंदबाजी करते हुए 4 मुकाबलों में 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म देख सकते हो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं यही करूँगा कि अगर पहले गेंदबाजी यहां पर आती है वेस्ट इंडीज वुमन्स की टीम तो आप जो है एफी फ्लेचर के साथ जाइए, अगर पहले एक बल्लेबाजी यहां पर आती है वेस्ट इंडीज वुमन्स की तो यहां पर आप जो है दोस्तों एफी फ्लेचर को ना ले। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आप फॉर्म देख सकते हो रिसेंट मैचेस का 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है लगभग हर मुकाबले में 1 विकेट निकाल कर आए हैं। ऐसे में हो सकता है दोस्तों यहाँ पर 1 विकेट निकाल लें। मैं ओवरऑल यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले गेंदबाजी करती तो शायद यहाँ पर हो सकता है इनको ना लूँ, वरना यहाँ पर अच्छे ऑप्शन रह सकते 3-8 या 7-4 का कॉम्बिनेशन आप जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज वुमन और ऑस्ट्रेलिया वुमन के मैचेस में जो है बना सकते हैं। इसके बाद शमिला कोनेल, इनको तो दोस्तों यहाँ पर खिलाया क्यों जा रहा है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। इनका फॉर्म आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 मुकाबले 0 विकेट्स, पहले गेंदबाजी करते हुए कोई विकेट नहीं, बाद में गेंदबाजी करते हुए कोई विकेट नहीं, और साथ ही में रिसेंट मैचेस आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई विकेट नहीं, इस मैदान पर देख सकते हो कोई विकेट नहीं, और साथ ही में आप जो है इंटरनेशनल टी20 मैचेस में भी देख सकते हो 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। दोस्तों यहां पर यही कहूंगा कि शमिला कोनेल को आप ना लीजिए। अब चलते हैं यहां पर अगले खिलाड़ी की ओर, तो यहां पर जो दोस्तों नाम निकल कर आता है शिनिता अग्रीमेंट, यह आपको जो है दोस्तों आज के इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ सकती है, और अगर ये वापसी करती है तो दोस्तों आप जो है इनको भी अपनी टीम में ना लीजिए। अगर वापसी करती है तो शायद यहाँ पर हो सकता है दोस्तों आज शिनिता अग्रीमेंट आपको जो है खेलते हुए नजर आए। इनका भी फॉर्म आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 0 विकेट है 0 विकेट है 0 विकेट है, और साथ ही में इंटरनेशनल टी20 मैचेस आप देख सकते हो 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। तो ऐसे में दोस्तों यही कहूंगा इनको भी अपनी टीम में ना लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया वुमन्स और वेस्ट इंडीज वुमन्स में अगर आपको जो है ना टीम बनानी है ना तो
7-4 का कॉम्बिनेशन रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम से, या तो फिर 8-3 का कॉम्बिनेशन भी आप जो है अपनी टीम यहाँ पर फैंटेसी 11 टीम बना सकते हैं। आप बात कर ले तो कश्मीरा रामचरक, इनको भी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई भी विकेट्स नहीं मिली, हालांकि इनकी इंटरनेशनल T20 मैचेस में विकेट टेकिंग गेंदबाजी रहती है, लेकिन इनको जो है दोस्तों आज पूरे ओवर्स नहीं कराए गए। तो ऐसे में इनके बारे में यही कहूंगा कि अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले गेंदबाजी यहाँ पर करती है तो आप जो है कश्मीरा रामचरक के साथ जा सकते हैं, या आपको हो सकता है एक आधे विकेट निकाल कर दे अगर पहले गेंदबाजी वेस्ट इंडीज की टीम करती है। अब चलते यहाँ पर दोस्तों और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है अगले खिलाड़ी का, कायसा स्कल्ट, ये हो सकता है आज का मुकाबला खेले। ओवरऑल इनकी अगर बात की जाए तो 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं अपने करियर में जहाँ पर कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है, यही कहूँगा कि इनको भी अपनी टीम में ना लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो दोस्तों नाम निकल कर आता है शनिका ब्रूस, ये आपको जो है आज के इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकती है। अगर ये मुकाबला खेलती है तो दोस्तों आप इनको अपनी टीम में जो है ट्राई जरूर कीजिएगा, ये हो सकता है एक आधी विकेट आपको निकाल कर दे अगर यहाँ पर जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो, वरना यहाँ पर जो है शनिका ब्रूस मुझे थोड़ा यहाँ पर जो है डाउट है। आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, मैं हो सकता है यहाँ पर इनको अपनी एक आधी टीम में ज़रूर रखूँ। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से कौन से खिलाड़ी आपको जो है दोस्तों अच्छे खासे पॉइंट्स दिखा सकते हैं। फिलहाल इससे पहले मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन दे दूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसे बना सकते हो, तो हेली मैथ्यूस अच्छा ऑप्शन रहेगा, और साथ ही में ये तीन खिलाड़ी आपकी टीम में होने चाहिए। पहला एफी फ्लेचर, अगर पहले गेंदबाजी आती है वेस्ट इंडीज़ की टीम की और हो सकता है बाद में भी गेंदबाजी आए तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि एक विकेट ये निकालेंगे तो इनके पॉइंट्स जरूर काम हो सकता है। और साथ ही में हेली मैथ्यूस, इनको भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ये एक विकेट प्लस 20 से ज्यादा रन बना कर देंगे। साथ ही में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहां पर बना सकते हो, और उसके बाद कैम्पबेल, ये भी जो है दोस्तों आपको 20 से रन यहां पर जो है आसानी से बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये तीन खिलाड़ी तो आपकी टीम में जो है रहने चाहिए। अब चलते यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलिया होमन्स की ओर से, तो यहां पर जो है अलाइशा हेली जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम की, वो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 13 मुकाबले खेले, 45 का इनका औसत है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 का, वही चेस करते हुए 72 का। तो ऐसे में दोस्तों मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि आप जो है दोस्तों इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ये आपको जो है कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट्स देंगे, लगभग ड्रीम टीम में आपकी जो है ये खिलाड़ी जो है होने चाहिए। साथ ही में आप जो है रिसेंट फॉर्म देख सकते हो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ 46 रन, 12 रन, 58 रन, 38 रन, 56 रन, ऐसे में दोस्तों फर्स्ट आए या सेकंड आए आप जो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। इस मैदान पर जो इनका औसत भी काफी बढ़िया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 का और वही चेस करते हुए 45 का, लेकिन चेस करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जो है काफी बढ़िया औसत है, तो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, ये आपको जो है लगभग 30 से ज्यादा रन बनाते हुए नजर आएंगी। अब चलते दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की, तो यहाँ पर जो है बैट मुनी नाम निकल कर आता है। इनका फॉर्म जो है ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी खामोश रहा है, 6 मुकाबले में जो है दोस्तों 53 रन बनाए हैं और साथ ही में जो है दोस्तों 12 का इनका औसत रहता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों यही कहूंगा कि आप जो है इनको अपनी टीम में चाहो तो ले सकते हो, अगर इनको गेंदबाजी तो आती नहीं है लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये रन्स बना सकते हैं। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर चेस करने उतरती है तो यहाँ पर कम से कम जो है ना 3 से 4 विकेट्स गवाएंगी, तो आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जरूर लेने चाहिए। तो बैट मुनी के हालांकि आप एक टीम में ना रखिए, लेकिन जो है दोस्तों 80% टीम में आप जो है इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ, लेकिन दोस्तों इनका बल्ला भी आज के मुकाबले में जो है चल सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की ओर, तो यहाँ पर जो दोस्तों नाम निकल कर आता है तालिया मेघरांत का, तो ये भी जो है दोस्तों आज के मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 56 रन भी बनाए थे, साथ ही में कोई विकेट इनको नहीं मिली थी, लेकिन ये जो है दोस्तों ओवरऑल अगर इनके आंकड़े देखे तो काफी कमाल के हैं, और साथ ही में खास तौर पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है दोस्तों बड़े रन ही आपको बनाते हुए नजर आ सकते हैं फिर से एक बार। और साथ ही में इस मैदान पर देखा जाए तो 2 मुकाबले में 70 रन अच्छा इनका जो है दोस्तों औसत रहता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 56 रन बनाए हैं, और ये कमाल के खिलाड़ी है दोस्तों, ये आपको बड़े हिट्स करते हुए बड़े रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। पहले बल्लेबाजी आती है तो तालिया मेघरांत यहाँ पर हो सकता है आप ना ले, लेकिन अगर चेस करने उतरती है वेस्ट इंडीज माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो आप जो है दोस्तों इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और साथ ही में बैट मुनी के बारे में भी आपको बता दूं कि अगर पहले बल्लेबाजी आती है ऑस्ट्रेलिया की तो यहां पर जो है बैट मुनी को भी आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं एलिशा गार्डनर, ये भी जो है दोस्तों काफी जल्दी ऊपर आती है बल्लेबाजी करने के लिए, इनके भी जो है दोस्तों आप आंकड़े देख सकते हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 मुकाबले खेले, 4 विकेट्स इनके नाम है, 40 रन भी बनाए हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबले में 2 विकेट्स, वही पहले बाद में गेंदबाजी करते हुए 1 मुकाबले में 2 विकेट्स। तो दोस्तों इनके बारे में भी यही कहूंगा कि इनको भी अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 विकेट्स आपको गंवाते हुए नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया होमन्स की टीम, और एलिशा गार्डनर की जो है बल्लेबाजी आएंगी तो ये हो सकता है दोस्तों नॉट आउट जाए, तो ये भी आपको
कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देंगे, इनको भी अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले खिलाड़ी की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नाम निकल कर आता है इलाइशा पेरी। ये भी जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल इनको गेंदबाजी नहीं कराई जा रही और ये काफ़ी नीचे आते हैं, तो ऐसे में जो है दोस्तों इनको आप ना ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एक टीम में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर जो है इनकी बैटिंग नहीं आएंगी और गेंदबाजी इनको दी नहीं जा रही है। वही बात करें यहाँ पर केक रात की, तो ये भी जो है दोस्तों पिछला मुकाबला तो नहीं खेले थे, लेकिन अगर ये मुकाबला खेलते हैं तो ये आपको जो है ना एक विकेट ज़रूर निकाल कर देंगे, तो इनको अपनी टीम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ में आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो इन मुकाबले में 4 विकेट्स है, 142 रन बनाए हैं। बाद में गेंदबाजी करते हुए, पहले गेंदबाजी करते हुए 3 मुकाबलों में 4 विकेट्स और बाद में गेंदबाजी करते हुए कोई गेंदबाजी इन्होंने करी नहीं है बाद में, लेकिन 3 मुकाबलों में जो है चेस करते हुए 142 रन बनाए। तो ऐसे में यहां पर यही कहूंगा कि आप जो है दोस्तों अगर इनको आज मौका दिया जाता है तो आप अपनी टीम में इनको जरूर शामिल कीजिएगा। खास तौर पे यहां पर पहले गेंदबाजी अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम करती होगी, आपको 4 ओवर्स भी डालते हुए नजर आएंगे और साथ में जो है विकेट्स निकाल कर भी देंगे। अब चलते यहां पर और बात कर लेते दोस्तों अगले खिलाड़ी की। तो यहां पर जो है नाम निकल कर आता है एनेबल सुदरलैंड का। इनको आप जो है दोस्तों अपनी टीम में ना रखें क्योंकि इनकी बैटिंग आने वाली नहीं है और गेंदबाजी में ये विकेट निकालने वाले नहीं है। अगर इनको आपको लेना ही है तो भी ना लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको जो है दोस्तों वेस्ट ऑफ पॉइंट्स नजर आएगा, तो इनको अपनी टीम में बिल्कुल भी ना लीजिए। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर जो है दोस्तों टारगेट को डिफेंड करिए तो आप जा सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो बिल्कुल भी नहीं। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो एनेबल सुदरलैंड को ना लीजिए, आपको 2 से 3 ओवर्स डालते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन विकेट्स इनको जो है नहीं मिलेंगी। अब चलते हैं यहाँ पर और बात करें तो दोस्तों अगले खिलाड़ी की। तो यहाँ पर जो है एलेना किंग की आज वापसी हो सकती है, इनको भी जो है दोस्तों अपनी टीम में शामिल मत कीजिएगा क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि आज के मुकाबले में जो है विकेट्स निकालेंगे अगर खेलते तो। अब चलते हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेगन स्कट, इनको जो है पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है लेकिन विकेट टेकिंग गेंदबाज है। आप देख सकते हो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 से 8 विकेट्स गंवाते हुए नजर आ सकती है, तो इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। ये आपको जो है एक ना एक विकेट निकाल कर दे सकता है और हो सकता है कि 2 से 3 विकेट्स भी यहाँ पर जो है निकाल कर दे दे। तो आप जो है दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ पर बना सकते हो। खास तौर पे यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर पहले गेंदबाजी करती है ऑस्ट्रेलियन टीम तो यहाँ पर जो मेगन स्कट के साथ आप जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अब मैदान पर भी देख सकते हो 7 मुकाबलों में 12 विकेट्स, तो दोस्तों इनकी तूती चलती है। और उसके बाद बात कर ले तो जेस जॉनसन की, तो इनको भी जो है दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर पहले गेंदबाजी आती है ऑस्ट्रेलियन टीम की तो आप जो इनको भी अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। 7 मुकाबलों में 10 विकेट्स हैं और अगर इनको गेंदबाजी थमाई जाएंगी तो आज एक ना एक विकेट जरूर ये खिलाड़ी जो है दोस्तों निकालेगा। और साथ ही में जैसे कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको जो है हेली में तो अगर आउट हो जाती है तो फिर दोस्तों वेस्ट इंडीज का ऑल आउट होना लगभग तय है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते कुछ और स्टेट्स की। साथ ही में डार्सी ब्राउन, इनको जो है दोस्तों आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना दोस्तों 7 से 8 विकेट्स गंवाने वाली है, ऐसे में आप जो है ऑस्ट्रेलिया के 3 या 4 गेंदबाज लेकर चल सकते हैं। कम से कम आपको 3 गेंदबाज तो लेने हैं, चाहे वो ऑलराउंडर के रूप में हो या फिर जो है दोस्तों गेंदबाजों के रूप में हो, 3 गेंदबाज आपके पास होने चाहिए जो गेंदबाजी करेंगे। तो यहाँ पर जो है डार्सी ब्राउन, ये भी जो है दोस्तों इंटरनेशनल मैचेस में अगर देखा जाए तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, साथ ही में 25 मुकाबलों में 23 विकेट, मैं शायद इनको अपनी टीम में ना लूँ, लेकिन ये भी एक ऑप्शन जरूर है खास तौर पे अगर टारगेट को डिफेंड कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप डिफेंड करते हुए जो है 11 मुकाबलों में 13 विकेट्स इनके नाम है। थोड़ी धीमी गति की गेंद रहती है और साथ ही में जो है दोस्तों विकेट टेकिंग गेंदबाजी भी ये करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अलाइशा हेली, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले मुकाबले में कि 40 से ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आएंगे, 40 रन ज़्यादा बनाए हैं और आज भी यहाँ पर 40 से ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वही केक रात, अगर इनको मौका मिलता है तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और साथ ही में जो है दोस्तों एलिशा गार्डनर, ये भी आपको जो है 1 विकेट और 20 से ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आ सकती है। मैंने आपको जैसे बताया था कल के मुकाबले में वैसा डिकटोक जो है दोस्तों आज मुकाबला चला था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैंने किस तरीके से टीम बनाई है। तो दोस्तों आप जो है मेरे 2 टीम्स देख सकते हो, फिलहाल जो है 2 टीम्स मैंने बनाई है। आप देख सकते हो अलाइशा हेली और साथ ही में बेट मुन्नी को रखा है, इलाइशा पेरी को रखा है, गजनबी को यहाँ पर रखा है, हैली मैथ्यूज को यहाँ पर रखा है, कैन हेनरी को यहाँ पर रखा है और जॉनसन और मेगन स्कॉट को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, एफली फेचर को यहाँ पर रखा है और किम ग्राथ और साथ ही में रामचरक को जो है दोस्तों हमने अपनी टीम में रखा है। ये 5 खिलाड़ी तो आपके जो है ना हर टीम में होने चाहिए। और साथ ही में मैंने आपको जैसे कि बताया
पहले गेंदबाजी करेंगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो यहाँ पर आप जो है गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। एलिशा गार्डनर भी यहाँ पर जो दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन रह सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। और यहाँ पर जो है दूसरी टीम हमने बनाई है, अलाइशा हेली को रखा है, बैट मुनी को रखा है, कैम्बेल को रखा है विकेट कीपर में, इलाइशा पेरी को भी हमने टीम में रखा है। शायद यहाँ पर जो है दोस्तों इनकी जगह नहीं बनती है, आपको अगर अच्छी चॉइस मिल जाती है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। और हेली मैथ्यूज यहाँ पर जो दोस्तों ये तो अपनी टीम में रखना जरूरी है। गार्डनर को आपको जो है दोस्तों यहाँ पर अपने वाइस कैप्टन बनाया है, साथ में जेस जॉनसन, मैग स्कट, फ्लिप फ्लेचर और साथ में गेम ग्राफ रामचरक। तो ये रहेंगे हमारी फैंटेसी 11 की टीम। साथ में जो है दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो मैं काफी डिटेल्स में स्टेट्स देता हूँ। और साथ ही में अगर दोस्तों आपको कुछ अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और साथ ही में जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, पैसा कमाओ, नोट छापो।